छात्रों, अब हम चर्चा करते हैं इंटरकूलिंग के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था, सिंपल साइकिल गैस टरबाइन जो होती है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के तीन मेथड हैं। पहला मेथड डीजनरेशन, जिसको अपन पढ़ चुके हैं। सेकंड मेथड आज अपन डिस्कस करेंगे, वो है इंटरकूलिंग। अब आती इंटरकूलिंग होती क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन इंटरकूलिंग का स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम कैसा होता है, तो छात्रों ये आपके सामने है इंटरकूलिंग का स्कीमेटिक डायग्राम। इंटरकूलिंग जैसा कि नेम इंडिकेटर होता क्या है, तो इस इंटरकूलिंग के अंदर सिंपल साइकिल गैस टरबाइन के अंदर अपन सिंगल स्टेज में कंप्रेशन करते थे, यानी एक ही कंप्रेशर यूज करते थे, सिंगल स्टेज के अंदर कंप्रेशन होता था। इंटरकूलिंग के अंदर सिंगल स्टेज कंप्रेशन के बजाय अपन मल्टी स्टेज कंप्रेशन को यूज करते हैं। तो यहां पर जो आपको जो मैंने दिखाया है वो दो स्टेज के अंदर कंप्रेशन है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। तो यहां दो स्टेज के अंदर आपका जो है कंप्रेशन दिखाया है मैंने, और इस कंप्रेशन के बीच में, यानी दो कंप्रेशर के बीच में अपन इंटरकूलर यूज करते हैं। इंटरकूलर आपका एक हीट एक्सचेंजर है, इसके अंदर पानी को यूज किया जाता है। तो पानी अपन अंदर भेजते हैं और जो फर्स्ट कंप्रेशर के द्वारा जो गैस आपने कंप्रेस की है उसको कूल किया जाता है, और जो कूल गैस या एयर है उसको अपन सेकेंड कंप्रेशर जो है, जिसको अपन हाई प्रेशर कंप्रेशर कहते हैं, उसके अंदर भेजा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सिंगल स्टेज कंप्रेशन के बजाय अपन ने मल्टी स्टेज कंप्रेशन क्यों किया। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब अपन यहां से यहां कंप्रेशन कर रहे हैं तो अब गैस का टेम्परेचर बढ़ गया है। अब गैस का टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरकूलर को जब अपन यूज करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कंप्रेशर जो वर्क करेगा, क्योंकि कंप्रेशर आपका वॉल्यूम को हैंडल करता है, किसी भी एयर और गैस जो होता है उसका वॉल्यूम को हैंडल कर रहा है, तो वॉल्यूम जब ज्यादा वॉल्यूम हैंडल करेगा तो कंप्रेशर को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यहां अपने मल्टी स्टेज में क्या किया है, अपन ने जो गैस जो आपकी गर्म हो गई थी उस गैस को अपन ने यहां पे कूल कर दिया है, ठंडा कर दिया है। जब ठंडा कर देंगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब कम वॉल्यूम की गैस जो है हाई प्रेशर, और कम वॉल्यूम की गैस अपन हाई प्रेशर कंप्रेशर के अंदर भेजते हैं, और यहां से फिर आपका कंप्रेशन होता है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि जो वर्क अपने को करना पड़ रहा है कंप्रेशन का, वो वर्क आपका कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो वॉल्यूम अपन हैंडल कर रहे हैं एयर का, वो वॉल्यूम अपना कम हो गया। तो यानी इंटरकूलिंग के द्वारा बेसिकली जो कंप्रेशर पे जो वर्क किया जाता है वो कंप्रेशर पे किया गया वर्क कम हो जाता है। अब जो हाई प्रेशराइज्ड एयर है उसको अपन कंबशन चैम्बर में भेजते हैं, यहां पे हीट ऐड की जाती है, देन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो गैस है उस गैस को अपन टरबाइन के अंदर भेजते हैं। टरबाइन की शाफ्ट रोटेट होती है, और ये जो टरबाइन का जो वर्क है इसको अपन जनरेटर में भेजते हैं। जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जो अपन इसको यूज ही करते हैं, और टरबाइन के एग्जॉस्ट से जो गैसेज उनको अपन बाहर एटमोसफेयर में रिलीज कर देते हैं। छात्रों इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अपन इंटरकूलिंग जो है एक सिंगल वे में यूज नहीं करते हैं। जो तीन मेथड हैं, जनरली तीनों मेथड एक साथ यूज किए जाते हैं, और इंटरकूलिंग जो है, इंटरकूलिंग के साथ रीजनरेशन जो है, रीजनरेशन को तो अपन कन्फर्म यूज करेंगे ही करेंगे। तो रीजनरेशन में क्या होगा, जो एग्जॉस्ट गैसेज है, जो कि हाई टेम्परेचर की गैसेज है, ये वेस्टेज हो रही है, इनको अपन यूज कर लेंगे जैसा मैंने आपको बताया था। तो जो चार नंबर का पॉइंट है, यानी हाई प्रेशर की जो गैसेज है, इन गैसेज को अपन एक रीजनरेटर में पास करते हैं। तो एक साइड से तो आपकी हाई प्रेशर गैसेज जाती है कंबस्टन चैम्बर से एंटर करने से पहले, और दूसरी साइड से अपन एग्जॉस्ट गैसेज के अंदर भेज देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको रीजनरेशन जो पढ़ाया था उसके अंदर डायग्राम बनाया था। तो इससे होता क्या है, इससे आपका कंप्रेशर पे किया गया वर्क कम हो जाता है। अब यदि अपन इसका टीएस डायग्राम देखें छात्रों, कि टीएस डायग्राम कैसा दिखेगा, तो उसके बारे में अपन देखते हैं कि टीएस डायग्राम इसका कैसा दिखता है। छात्रों ये टीएस डायग्राम है जब अपन इंटरकूलिंग को यूज करते हैं, तो यहां पे आपको तीन प्रेशर की लाइन दिखाई गई, कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन, लाइन नंबर एक, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। तो यहां एक नंबर पे एयर, जैसा कि डायग्राम अभी आपको मैंने दिखाया था, तो एक नंबर पे एयर अपन अंदर लेते हैं, तो एक से दो तक यहां पे कंप्रेशन हो रहा है। तो ये जो लो प्रेशर कंप्रेशर था, जो फर्स्ट कंप्रेशर था, उसके अंदर अपन ने गैस को या एयर को कंप्रेस किया है। दो नंबर से तीन नंबर का जो पॉइंट है ये इंटरकूलर का पॉइंट है। तो दो नंबर पे गैस जो आपकी इंटरकूलर में एंटर करती है, और तीन नंबर पे गैस आपकी बाहर आती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इंटरकूलर का बेसिकली अपन क्या करते हैं, इसका
टेम्परेचर डाउन करते हैं, ये टीएस डायग्राम तो आपको दिख रहा है, यहां पे टेम्परेचर आपका डाउन हो रहा है। तो इस टेम्परेचर के डाउन होने से क्या होगा, कंप्रेशर पे किया गया वर्क जो है वो अपना कम हो जाएगा। तीन से चार नंबर जो है, तीन से चार नंबर आपका हाई प्रेशर का जो कंप्रेशर है, जैसा मैंने आपको फिगर में दिखाया था, तो ये हाई प्रेशर पे आपका यहां पे कंप्रेशन हो रहा है। देन चार से पांच जो है, चार से पांच आपका ये हीट एडिशन है कंबशन चेंबर में, पांच से छह ये एक्सपेंशन आपका टर्बाइन में है, और यहां पे जो गैसेज एग्जॉस्ट गैसेज उसको अपन एटमोसफेयर में रिलीज कर देते हैं। तो ये आपका टीएस डायग्राम है। छात्रों यदि अपन सिंगल स्टेज की यदि अपन बात करते हैं, तो सिंगल स्टेज के अंदर ये कंप्रेशन जो एक से दो था, ये लाइन सीधी आपकी यहां से चल जाएगी, सीधी लाइन इस पॉइंट पर, ये सिंगल स्टेज कंप्रेशन आपका हो जाएगा। मल्टी स्टेज कंप्रेशन में क्या किया, अपने यहां पे कूल करके फिर अपने इसको कंप्रेस किया है। यदि छात्रों आप टीएस डायग्राम को देखोगे, तो टीएस डायग्राम में जब कॉन्स्टेंट प्रेशर की लाइन यदि आप देखोगे, तो इन कॉन्स्टेंट प्रेशर की लाइन को आप देखोगे कि जैसे जैसे कॉन्स्टेंट प्रेशर की लाइन इस डायरेक्शन में जाती है, इनके बीच के अंदर गैप बढ़ता जाता है। इस गैप को बढ़ता जाता छात्रों, तो इस गैप से इससे क्या नतीजा निकलता है, यदि अपन मैं सीधा मल्टी स्टेज की बजाय सिंगल स्टेज कंप्रेशन करता, तो यहां से यहां तक की लाइन जो थी वो लाइन थ्री फोर लाइन के कंपेरिजन में ज्यादा है। आप टीएस डायग्राम का चार्ट देखना, तो ये लाइन यदि ज्यादा है, इसका मतलब यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस ज्यादा है, यानी ये वर्क आपका कंप्रेशर पे किया गया वर्क है जो कि ज्यादा है। यानी जब हम सिंगल स्टेज कंप्रेशन करते हैं, तो ये लाइन आपकी थ्री फोर लाइन से ज्यादा है। तो इस डायग्राम से भी अपन देख सकते हैं कि ये वर्क आपका ज्यादा होता तो आपने कूलिंग की, तो अब आपको कम वर्क करना पड़ रहा है। और इसका जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि आपका जैसे टेम्परेचर गैस का कम होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और कंप्रेशर को कम वॉल्यूम हैंडल करना पड़ेगा, तो नेचुरली आपको वर्क जो करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ साथ इसका इंटरकूलिंग का, इसका मतलब इंटरकूलिंग का कंप्रेशर में वर्क किया तो फायदा ही फायदा है। इस इंटरकूलिंग का एक नुकसान ये है कि जब अपन यहां पे सीधा स्टेज में कंप्रेशन करते हैं, तो हीट जब अपन ऐड करते हैं, तो हीट यहां से यहां तक ऐड करते हैं अपन, इस पॉइंट से लेकर। लेकिन अब हीट अपन कहां से कहां तक ऐड कर रहे हैं, इस पॉइंट से। तो यानी ये हीट जो है, इतनी हीट आपने एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ रही है। इसका मतलब यदि आप सिर्फ इंटरकूलिंग यूज करोगे, तो साइकिल की इफिशियंसी कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी कि जो हीट एडिशन है, वो हीट एडिशन आपका बढ़ गया है। तो जब सिर्फ इंटरकूलिंग की यदि अपन बात करते हैं, तो इंटरकूलिंग में इफिशियंसी आपकी लगभग 5% के आसपास कम हो जाती है। लेकिन जब वर्क रेशियो की अपन बात करते हैं, वर्क रेशियो आपका क्या होता है, नेट वर्क अपॉन वर्क डन बाय टर्बाइन। तो जो नेट वर्क होता है वो टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेशर का वर्क। तो कंप्रेशर का वर्क कितना हो गया, वर्क यहां से 1 से 2 तक का प्लस 3 से 4 तक का वर्क ऐड करेंगे। और फॉर्मूला यदि आपको चाहिए, तो कंप्रेशर का वर्क हो जाएगा सीपी T2 माइनस T1 प्लस सीपी T4 माइनस T3, और टर्बाइन का जो एक्सपेंशन का वर्क हो जाएगा वो सीपी T5 माइनस T6। सीपी डेल्टा T होता है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो इस टर्बाइन वर्क में से जो कंप्रेशर का वर्क माइनस करेंगे, तो अब कंप्रेशर पे अपन कम वर्क कर रहे हैं। तो वर्क रेशियो देखा गया है कि लगभग 10% के आसपास वर्क रेशियो आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इंटरकूलिंग से यदि अपन देखते हैं, तो इंटरकूलिंग से इफिशियंसी आपकी डाउन हो जाती है और वर्क रेशियो आपका बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था डायग्राम के अंदर कि इंटरकूलिंग को अपन सिंगल यूज नहीं करते, इंटरकूलिंग के साथ साथ अपन रीजनरेशन को भी यूज करते हैं। और जब इंटरकूलिंग और रीजनरेशन दोनों को एक साथ यूज किया जाता है, तो यह देखा गया है कि वर्क रेशियो में लगभग 10% के आसपास बढ़ोतरी, और इफिशियंसी साइकिल की जो है वो लगभग 50 से 55% की इसमें बढ़ोतरी हो जाती है।